हेलो फ्रेंड्स रोजगार सिंडा के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीरो टू जीरो दो हज़ार तेईस बैंक ऑनलाइन फॉर्म दो हजार बाईस का जो कि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं इसमें जो कि आपको चार चीज़ें आपको इसमें फॉर्म में जो कि अपलोड करनी है जो कि अपलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा एक आपका फोटोग्राफ एक आपका जो कि सिग्नेचर और एक आपका जो कि है लेफ्ट थम और एक राइट थम ये चार चीज़ें आपको इसमें अपलोड करनी है जो कि गाइडलाइन में अकॉर्डिंग दिखाया गया है कि इसमें गाइडलाइन में जो कि बोला गया है कि किस तरीके से आपको इसको अपलोड करना है इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा उससे पहले फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इनमारेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट फॉर्मेट की जो कि फाइल जो कि होगी जेपी या जेपी जी पी जी फॉर्मेट में आपकी फाइल हो सकती है जो कि आपको 10 से लेके केबी से लेके 100 के बी के बीच में आपका फोटोग्राफ जो कि होना चाहिए तो इस तरह से होना चाहिए और आपको जो कि लेफ्ट थे सभी इंप्रेशन सभी इसी फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बताया गया है अगर इसके अलावा आप दूसरा अपलोड करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा और ध्यान के इसमें आपका फ़ोटो जो कि आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो आप क्या समस्या हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ तो इसमें जो कि आपको जो कि फोटोग्राफ का जो कि नाम देना है इसमें गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने जो लिख दिया है जैसे पी बड़ा लिखा है पासपोर्ट अंडर स्कोर लगाना है पासपोर्ट पास पासपोर्ट अंडर स्कोर फोटोग्राफ तो मतलब इस तरीके से आपको फॉर्मेट में ये लिखना है तभी आपका फ़ोटो जो कि है जो की कि अपलोड होगा जैसे कि आपका सिग्नेचर है तो उसका नाम भी आपको सिग्नेचर ही देना है तभी आपका फोटो अपलोड होगा इस सिग्नेचर अपलोड होगा अब लेफ्ट थम इम्प्रेशन लेफ्ट थ्रेसमेंट में आप क्या करेंगे पहले लेफ्ट लिखेंगे फ्रेंडर्स को लगाएंगे फिर थम लिखेंगे फ्रेंडर्स को लगाएंगे फिर इंप्रेशन करेंगे लिखेंगे तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट में लेफ्ट थम का भी लिखना है उसके बाद राइट थम का भी आप नाम क्या रखना है राइट अंडर स्कोर थम अंडर स्कोर इम्प्रेशन तो सभी चीज़ें आपको इसमें लगानी नहीं तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं तो आपका जो कि है फॉर्म जो कि अपलोड नहीं होगा जिस तरह से गाइडलाइन में आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा जब आप भरने जाएंगे तो इंटरेक्शन में वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद आते हैं कि इसकी जो कि से लेके इसके बीच में कैसे बनाया सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी है जो कि मान लीजिए सिग्नेचर इसका कर रहे हैं ये बयालीस से चौवालीस के बीच में तो ये अपलोड हो जाएगा फिर भी अगर अगर कैसे में आपका जो कि छोटा है ये ज़्यादा बड़ा है तो आप कम कैसे करेंगे तो जैसे मैं बड़ा करना और छोटा करना आपको कैसे बता देता हूँ तो मैं इसे ओपेंट में से ओपन कर लेना है आपको रिसार्जिंग वाले ऑप्शन पर जाना है जैसे कि पहले ये बयालीस के का था हम इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं जैसे कि हम थोड़ा तो मैं इसको कर देता हूँ छः तो ये सभी अनुमान से आपको करना है और इसको मैं सेव करता हूँ सेव करने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी देखता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंज आए या नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी में चेंज देख रहा हूँ कि ये जो कि है जेपी जी पहले फॉर्मेट में थी और जो कि छियानवे से लेकर सौ के बी के बीच में हो गया तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इस तरह से हम ज़्यादा वो कम करेंगे तो इसे फिर से हम इंट में ओपन करेंगे रिसार्जिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे पिक्सल पर क्लिक करेंगे और मैं इसको पाँच सौ करता हूँ तो इस तरह से आपको ये अनुमान लगा के ही करना है अगर थोड़ा मान लो क्रॉप करना है पार्ट तो यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जितना पार्ट आपको क्रॉप करना है जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने और जितना पार्ट मेरा क्रॉप करना है मान लो इतना पार्ट मेरा क्रॉप करना है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्रॉप पर क्लिक करता हूँ इस तरह क्रॉप का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि आप फोटो का यहाँ पर फॉर्मेट दिखाया हुआ है कि इस का फॉर्मेट है तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है नाम के हाथ लिखना है फिर आपको डीओपी लिखनी है डेट ऑफ़ फ़ोटो जिस दिन आपने फ़ोटो लिया है वो डेट ऑफ़ फ़ोटो भी आपको यहाँ पे डाल देना है तो इस तरीके से आपको स्लेट पे इस पर लगाना है ये भी आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से आपको इसको कर देना है उसके बाद सेव करने के बाद इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसकी मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ तो प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है कि अस्सी लेकर चौरासी के बी के बीच में होनी चाहिए और हमें चाहिए दस से लेकर सौ के बीच में तो ये हमारा काम चल जाएगा और ये अपलोड हो जाएगा तो इस तरह से मैंने बढ़ाना और घटाना दोनों बता दिया फोटो में तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस भी अनुमान लगा के आपको पेंट में करना है उसके बाद आपके सिग्नेचर की सिग्नेचर की मैं पहले प्रॉपर्टी देख लेता हूँ तो सिग्नेचर की प्रॉपर्टी देख रहा हूँ ये चौदह से लेकर सोलह के बीच के बीच में है तो ये हमें दस से सौ के बी के बीच में तो इसको मैं बढ़ा के बता देता हूँ आपको तो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ किस में पेंट में इसे ओपन कर रहा हूँ मान लीजिए जो पार्ट आपको क्रॉप करना है सो सिलेक्ट कर लीजिए जितना पार्ट जितना पार्ट मेरा क्रॉप करना है तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए तो क्रॉप हो जाएगा उसके बाद इसको सेव कर दीजिए उसके बाद यहाँ रिचार्जिंग वाल ऑप्शन पर जाइए पिक्सल आपको बढ़ाने इसको इस बार हम साइज बढ़ा रहे हैं तो मैंने इसको सेव कर दिया ये सभी अनुमान से आपको करना है ऐसे नहीं कि एग्जैक्ट मैंने बताया उसी उसकी कोड़ू, डायमेंशन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी उसके बाद इसको सेव कर देते हैं सेव करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि सिग्नेचर में हमारे क्या चेंज आया तो सिग्नेचर का मैं देख पा रहा हूँ कि ये उन्नीस से लेकर बीस के बी के कि चौदह से सोलह के बी के बीच में था इस तरीके से आपकी साइज इसको बढ़ा सकते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं आपके जो कि थम राइट थम में जो लेफ्ट थम इम्प्रेशन की बात कर लेते हैं तो लेफ्ट थे उसका नाम को देखो लेफ्ट लिखा हुआ है एल बड़ा है पहले में अंडर्स को है थम में भी टी बड़ा है अंडर्स को लगाया हुआ है थे 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 फिर फिर इंप्रेशन लिखा हुआ है तो इस तरह से इंप्रेशन लगाना चाहिए इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसको भी हम रिसाइजिंग लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं सत्रह से बीस के बी का है और हमें इससे काम चल जाएगा फिर भी हम इसका थोड़ा साइज बढ़ा के दे बढ़ा के इसको अपलोड करेंगे तो इसको वही पेंट में ओपन करना है इस वाले ऑप्शन पे जाना है पिक्सल पे क्लिक करना है जैसे चार जो छे है तो इस बार मैंने इसको ट्राई किया छः सौ कर ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके आप इस यहाँ पर क्रॉप भी कर सकते हैं तमामिल क्रॉप करना है तो यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए तो ईजीली क्रॉप हो जाएगा उसके बाद सेव कर दीजिए सेव करने के बाद इस मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ क्योंकि मैं साइज बढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा फोटो जो कि अपलोड हो जाए ज़्यादा ब्लर ना हो फटे नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी देखो तेलीस चौवालीस के वी के बीच में और हमें चाहिए दस से सौ के वी के बीच में तो ये अपलोड हो जाएगा इसी तरीके से आप राइट थम को भी आप इसी तरीके से कर लीजिए पर ध्यान रखना है इसका नाम वही राइट अंडर स्कोर थम अंडर स्कोर इंप्रेशन आपको रखना है प्रॉपर्टी देख लेते हैं जे पी जी फॉर्मेट में इस इसका फोटो सत्रह से बीस के बीच में बीच में इसको बढ़ाना है हमको तो मैं बढ़ा के और घटा के दोनों इसको चीज़ को बताता हूँ आपको उसके बाद जितना बात सेलेक्ट कर क्रॉप करना है था बाट सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पर क्लिक कर दीजिए क्रॉप हो जाएगा उसके बाद सेव कर दीजिए उसके बाद रिसार्जिंग ऑप्शन है पिक्चर पर क्लिक कीजिए यहाँ पर मैं साढ़े छः सौ कर देता हूँ उसको ओके करता हूँ और सेव करता हूँ सेव करने के बाद इसकी मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ राइट थम की प्रॉपर्टी मुझे देखने को मिलती है कि ये पचपन से छप्पन के बीच के बीच में हो गया तो ये काम हो जाएगा अब मान लीजिए इसको घटाना भी होगा अगर आपको कैसे किस में बड़ा होगा तो उसको घटाना भी कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ रिसार्जिंग तो का ऑप्शन जाना है पिक्सल पे क्लिक करना है घटाना है तो यहाँ पर मान लीजिए पाँच कर दीजिए घटाने के लिए कम कर दीजिए तो और सेव कर दीजिए सेव करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है अड़तीस चालीस तो इस तरीके से जो चारों डॉक्यूमेंट है वो अपने हिसाब रिकॉर्डिंग साइज में बढ़ा घटा आप कर सकते हैं सभी चीज़ों को मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है किस तरीके से करना है आपको फॉर्मेट कैसा लगाना है इन सभी को गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप करके फोटो जो कि आपको इसमें सभी चीज़ें अपलोड करनी है तो फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन तो में कमेंट करिए मैं उनका रिप्लाई दूंगा और आपकी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूँगा तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत